तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा काफ़ी बेहतर होइएगा। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और हमारे पीछे देख रहे होंगे एक इंजन जैसा दिखाई दे रहा है, वो पटना जंक्शन पर मौजूद है और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है वो जो ट्रेन है। और देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे पटना का महावीर मंदिर, जो बहुत ही फेमस यहाँ का मंदिर है। और इसके जो मतलब चंदा या रुपया जो इकट्ठे होते हैं उसी से महावीर कैंसर संस्थान और बहुत सारे चीज़ चलते हैं। और पीछे देख रहे हैं पटना जंक्शन हुआ और इंजन देख रहे हैं, वो भी काफ़ी शानदार लग रहा है। और हम चलते हैं पटना जंक्शन से और वहाँ से आप लोगों को और सारे चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। पीछे देख रहा हूँ कि किस प्रकार से इंडिया का जो फ्लैग है वो मतलब हवा में लहरा रहा है, तिरंगा झंडा जो अपना है वो काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों। और ये पटना जंक्शन काफ़ी दूर में फैला हुआ है जंक्शन भी, और बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन है और यहाँ से हर रूट के लिए ट्रेनें चलती है, चाहे आपको दिल्ली जानी हो या बिहार से कहीं भी बाहर जानी हो, हर जगह के लिए आपको ट्रेन यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और यहीं पे बगल में ही है हवाई अड्डा, वहाँ पे भी कभी जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। हालाँकि अभी मैं यहीं पे मौजूद हूँ तो आप लोग पटना जंक्शन को ही देखिए। चलते हैं पटना जंक्शन के अंदर और वहाँ से किस प्रकार से मतलब सब टिकट ऐसा मिलता है वो सभी दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग को यहाँ से जानी है गया, तो यहीं से ट्रेन मिलेगी और लगभग अभी बज रहे हैं एक और लगभग दो बजे के करीब में ट्रेन है। हालांकि बहुत सारी ट्रेन है लेकिन मैं एक ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, उसी ट्रेन को पकड़ के जाऊँगा। और देख सकते हैं काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ का जो मतलब बाहर का जो दृश्य होता है पटना जंक्शन का। और महात्मा बुद्ध से लेके जितना भी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय हो या सारा चीज़ हो, वो सब का मतलब जितना भी इमेज है वो सबको लगाया गया है। हालांकि अभी दिन का समय, अगर रात का समय रहता तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे लाइटिंग सभी भी होती है, वो सभी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता। हालांकि अभी इसी प्रकार से देखिए हम चलते हैं अंदर और सारा चीज़ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यही था इंडिया का जो फ्लैग है, हवा से बातें कर रहा है, लहरा रहा है। और महावीर मंदिर हो, आप लोग तो देखने की है महावीर मंदिर को जो सामने दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा ये रहा पटना जंक्शन, देख रहे हैं काफ़ी दूर में फैला हुआ है जंक्शन और ये बिहार की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे छठ पूजा से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यकालीन सभ्यता, बोधि वृक्ष और जितने भी सारे बिहार के मतलब फेमस चीज़ है, अशोक स्तंभ हो या सम्राट अशोक के बारे में जानकारी हो, महात्मा बुद्ध हो, ये सब के फिगर को यहाँ पे दर्शाया गया है, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। तो यही है दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और सारा चीज़ दिखाते हैं। हालांकि पटना में बताते चले तो यहाँ पे चार रेलवे स्टेशन है, एक है पटना जंक्शन जो है पूरा मेन में आता है यानी बीच में है, और उसके अलावा एक हाजीपुर जंक्शन है, हाजीपुर पाटलिपुत्रा और दानापुर, और उसके बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल, इतना सारे जितने भी स्टेशन है वो सब पटना के अंतर्गत आते हैं। और पटना सर उधर जाइएगा, अगर आप अति की तरफ जाते हैं जहाँ पे सिख लोग का मंदिर है गुरुद्वारा, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेशन सब मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, 10 रुपये में टिकट बन रहा है। और यहाँ पे उसके अलावा टिकट बनाने का व्यवस्था है, यहाँ पे खुद से आदमी बना सकता है यहाँ पे, तो हम भी प्रयास करेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। और हालांकि आप लोगों को पूरा चीज़ दिखा दे, उसके बाद टिकट वट बनवा के फिर आए की यात्रा किया जाएगा। तो वही है दोस्तों पटना जंक्शन, कैसा लग रहा है आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर बता। तो दोस्तों यहीं है पटना जंक्शन, देख रहे होंगे काफ़ी शानदार लग रहा है। और यहाँ पर लगभग 10-12 गो ट्रैक है दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से ट्रेनें मिलती है वो सब 10-15 को है यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ा है। और ये बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, हम लोग की ट्रेन थोड़ी देर के बाद आएगी तो पकड़ के हम लोग आगे जाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहीं था, आप लोगों को दिखाना था इस वजह से यहाँ पे आके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देख रहे होंगे एक ट्रेन आ रही है, अभी ट्रैक देख रहे होंगे। और यहाँ से जो ट्रेन आगे राजेंद्र नगर की तरफ जाती है और इधर दानापुर और पाटलिपुत्रा की तरफ जाती है, तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत है। आप लोगों को अभी मौका मिले तो जरूर आइएगा यहाँ पे। तो कैसा लगा पटना जंक्शन दोस्तों, ब्लॉग में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको गया में। देख सकते हैं दोस्तों अभी पटना जंक्शन पे ही मौजूद है और ये सारे
प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने का रास्ता है, मतलब जितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है वहाँ पे आप जा सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। तो अभी हम लोगों को 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, गया जाने के लिए ट्रेन वहीं से मिलेगी। तो हम लोग इसके ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ से कैसा दिखाई देता है प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन स्टेशन है दोस्तों। और यही था, आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे अपनी आगे की जर्नी के लिए। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूरा सैर कराते हैं गया तक का। तो फाइनली गाइज हमको मिल गया गया जंक्शन लिखा हुआ। तो दोस्तों हम लोग फाइनली गया आ चुके हैं और ये रही ट्रेन और देख सकते हैं जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो इतना ना ज़्यादा भीड़ थी जो उसमें वीडियो बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इस वजह से नहीं बना पाए। और ये ट्रेन थी और लगभग 1:30 बजे के बाद खुली है, 1:45 के करीब में खुली है पटना से। और ये अभी 4:15 हो रहा है और ये छोड़ दी है गया में हम लोगों को। तो गया स्टेशन किस प्रकार से ये सब हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा गया स्टेशन आप लोगों को घुमाते हैं। तो देख सकते हैं ये गया स्टेशन और इसमें भी काफ़ी बड़ा बड़ा ओवरब्रिज टाइप से बना हुआ है चलने के लिए, देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा दूर में फैला हुआ है गया ओवर गया का जो प्लेटफॉर्म सब है वो सब। गया रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये भी अपने आप में, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए और विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो गया बहुत ही फेमस जगह है, अगर पहले हमको टाइम मिलता है तो जो महाबोधि मंदिर है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये ट्रेन देख सकते हैं, ट्रेन से हम लोग होके आए हैं। जब हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आगे बढ़ते गया है मतलब भीड़ कम होते गई है। तो लास्टली हम लोगों को सीट तो मिल गया है आने के क्रम में, लेकिन 3-4 घंटे का सफ़र था, बहुत दूर तक पैदल मतलब खड़ा होकर भी चलना पड़ा है। तो यहीं है गया जंक्शन, उम्मीद करूँगा जो काफ़ी बेहतर लग रहा होगा आप लोगों को। कभी आप लोग भी गया आके घूमने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ पे जितने मतलब एक्सप्लोर करने वाला चीज़ है वो सब मैं घूमकर एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा, और जिस काम से आया हूँ वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में ही घूमने का प्रयास करूँगा। तो देख सकते हैं मैं बाहर जाकर स्टेशन के बारे में दिखाने का प्रयास करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।